तो चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं इलोन मस्क, इलोन भैया पे बात करने वाले हैं। अब क्या बात करने वाले हैं, उन्होंने ट्विटर खरीद लिया। अब ट्विटर खरीदने के पीछे क्या रीजन था ये बता रहे हैं आप लोगों को। उनका ट्विटर पे 84 मिलियन फॉलोवर था, उनका ट्विटर पे 84 मिलियन फॉलोवर था। अगर वो कुछ भी ट्वीट करके बोल दे तो लगभग मिलियन में उस पर कॉमेंट जाता था, मतलब समझ रहे, करोड़ों में उस पर डिस्कस होता था। अगर आज बोल दिए कि क्रिप्टो में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अचानक से क्रिप्टो का रेट 35% हाई हो गया, क्रिप्टो का शेयर मार्केट 35% अप होगा, कल होके बोल दिए ये तो हम एक देख रहे थे क्रिप्टो को सिर्फ, अचानक से फिर से 35% डाउन हो गया, मतलब अगर एक बार अगर कोई चीज बोल दिए वो तो उसका गारंटी है कि अप होगा, अगर कल कुछ बोल दिए तो उसका डाउन होगा। यानी कि वो अगर कुछ भी बोलते हैं तो मार्केट पे बहुत बुरी असर पड़ता था। अगर सही बोल दिए तो आसमान रेट छू लेता था, अगर कुछ उसके बारे में गलत बोल दिया तो जमीन पे धराक से गिर जाता, डायरेक्ट माइनस में चला जाता उसका शेयर मार्केट। इसीलिए उसको उसे SEC बैन कर दिया था। SEC क्या है, स्क्रीन पे उसका आईएल डाल देंगे हम, तो SEC उसे उसको बैन कर दिया था। अब इसलिए बैन कर दिया था कि भैया इलोन भैया विदाउट मेरे परमिशन का आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए बैन। अगर एक बार वो मुंह खोल दे तो प्राइस अप होता, अगर एक बार बंद करते तो प्राइस डाउन होता था। इसीलिए उनका 84 मिलियन था ना फॉलोवर, इसीलिए उनको डर लग रहा था कि कहीं मेरा ट्विटर अकाउंट ना ब्लॉक कर दे, सारा खेल तो ट्विटर का था, कहीं मेरा अकाउंट ब्लॉक ना कर दे। अब इलोन भैया जो थे जिद्दी टाइप के इंसान थे, अब उन्होंने सोच लिया कि मुझे ट्विटर खरीदना है, अब इसके लिए जो जद्दे जहर करना पड़े लेकिन ट्विटर मुझे अब खरीदना है। इलोन भैया ने ये चाह दिया। अब चाहते हैं तो है तो वो बहुत जिद्दी किस्म का इंसान, तो हो गई। अब सोच लिया कि ट्विटर खरीद, अब इसलिए उनको खरीदना पड़ रहा था कि 84 मिलियन उनका फॉलोवर जो था वो सोच उनके माइंड में चला कहीं अगर मुझे कल होके ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया तो फिर तो हम गए, जबकि ट्विटर एक कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं थी ट्विटर, जितना फेसबुक इंस्टा यूज हो रहा उतना ट्विटर नहीं यूज हो रहा है। बट लेकिन उनके एक इशारे पे मार्केट अप और डाउन हो रहा था, बस इसी का उन्होंने फायदा उठाया। अगर वो चाहते अगर 100 करोड़ हम आज लगाएं तो वो 100 करोड़ का 200 करोड़ प्रॉफिट शाम तक कर लेते, अगर कल चाहेंगे इस कंपनी को हम डाउन कर दें तो उस कंपनी को वो डाउन कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाया और ट्विटर को खरीद लिया। कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था ट्विटर, लेकिन एक जिद था उनका कि ट्विटर लेना है तो ट्विटर लेना है, बस यही डर था कि उनको कहीं अकाउंट ब्लॉक कर दे। अब अकाउंट ब्लॉक करने के चक्कर में उन्होंने ट्विटर को ही खरीद लिया।